आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। एक दुखद खबर इस समय जीएमसी जम्मू से आप तक साझा करते हुए यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कोई बहस हुई आपस में, उन्हें धमकी दी शबीर अहमद, अच्छा मकसूद अहमद, तो दूसरा महबूब खान जोइब, इन्हें धमकी दी थी मेरे भाई। क्यों दी थी धमकी? ऐसे कोई आपस में बहस हुई थी। भाई साहब क्या नाम है आपके भाई का और कितनी उम्र? अस्तियाक अहमद। कितनी उम्र? 18 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं? लसौना के। कहाँ पढ़ता है? ये सुरनकोट से है। सुरनकोट में पढ़ता है। तो आपका भाई कहाँ पे था? मेरा भाई बम्बे गाड़ी चला रहा था। मुंबई। उधर से भाग आया है, मुझे मार देंगे भाई ने। परसों ये शबीर ने मुझे फोन भी किया था, ये नंबर है तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा, ये नंबर है उसका, मैं आपको नंबर रिकॉर्डिंग बड़ी है क्या? रिकॉर्डिंग वो मंगा रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग है। मेरे भाई ने रात को सेठ को भी फोन किया, सेठ मुझे बचा लो, ये मुझे मारने लगे। सेठ का क्या नाम है? कहां से आपके भाई? इमरान खान। इमरान खान कहां का रहने वाला है? ये यूपी का। यूपी का। बाड़ी कहां से मिली? बाड़ी ये जो आगे है ब्रिज, इसके साथ से मिली। बॉडी कहां से मिली थी आपको? ये आगे ब्रिज नहीं है नदी वाला, इधर से मिली है। जम्मू में? हाँ जम्मू में। कौन से ब्रिज के पास? ये जो आगे नहीं है नदी वाला। तो आपको कैसे पता चला कि? मुझे फोन किया था घर से। कितने भाई हैं आपके भाई के? मेरे भाई पांच हैं। पांच भाई हैं। हाँ। ये सबसे छोटा था या क्या? ये क्या छोटा ही था। छोटा था। हाँ भाई। क्या लगता है क्या हुआ होगा जिस तरह से? भाई उन्हें धमकी दी, उन्हें मराया है मेरे भाई को, उन्हें धमकी दी थी। किस चीज को लेकर ये लड़ाई? ये ऐसे ही उनका झगड़ा हुआ है। ये शबीर का नंबर ये है, ये परसों मुझे इसने खुद कॉल की है। आप किसी का नाम ना ले फिलहाल, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किस चीज को लेकर ये लड़ाई होती है? ऐसे बहस हुई इनकी आपस में, क्या बात हुई होगी ना, किस बात की? वैसे बहस हुई है, दूसरा लड़का दूसरी पे गाड़ी पे चला गया, सेठ को इसने बोल दिया दूसरी गाड़ी पे, क्यों दूसरे की गाड़ी पे चला गया, इससे इनका बहस हुआ, इसके लिए मेरे भाई को मार दिया। आपने जम्मू कश्मीर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ कराई है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है कोई? बोल रहे अभी करेंगे, अभी क्या, अभी तो कुछ मदद नहीं। मेरे भाई को मार दिया है। पुंछ के कहाँ के रहने वाले थे? लसौने के रहने वाले। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील कौन सी पड़ती है? सुरनकोट। सुरनकोट। हाँ तो काफी दुखद है भाई साहब, अपना उनका नाम बता दे भाई का। इश्तियाक अहमद है मेरे भाई का नाम। जी जी। तो इश्तियाक अहमद 18 साल के एक युवक का शव जो है वो जम्मू के तवी पुल के नीचे से मिला है। बताया जा रहा है कि ये जो है वो पुंछ के सुरनकोट का रहने वाला है, लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद रहा है कि ये एक पेशे से जो है वो ड्राइवर था, और ऐसे में ना जाने क्या कुछ वजूहात रहे हैं कि पुंछ के सुरनकोट के एक दूरदराज गांव का रहने वाला जो एक ये ड्राइवर था लड़का, जिसकी उम्र 18 साल के करीब है, और इश्तियाक इसका नाम बताया जा रहा है, उसका शव जो है वो यहां पर तवी पुल से। नहीं पता भाई, मैं इधर गाड़ी चला रहा था बस, मुझे फोन आया घर से, तो इधर आया तेरा भाई ठीक है, इधर आया तो मेरे भाई की डेथ हुई, मुझे नहीं पता ये कौन सी गाड़ी चलाता था आपका भाई। मेरा भाई ट्रक चला रहा था बम्बे में। ट्रक चलाता है जी। अभी ट्रक कहाँ पे है वो? जो उधर ही है, बम्बे का सेट है उधर का ही है। लास्ट बात कब हुई थी आपके भाई से? मुझे परसों हुई थी भाई से। परसों हुई थी। जी सर। कुछ बताया था आपसे? मेरा भाई बोल रहा था मुझे मार देंगे, धमकी दे रहे। मैं भाई को बोला वो कौन है दूसरे जो आए, वो आपके रिश्ते? हाँ उधर गाँव के, इनने धमकी दी थी। मेरा भाई आ रहा था घर दिल्ली से, वापस सेठ ने बुलाया के। कौन से गांव के? मुंबई के हैं जो आपके सुरकोट वाले से? जो मेरे भाई को मारा सुरकोट वाले। अच्छा। मेरे गांव के हैं। काफ़ी दुखद भरा ये अपडेट है जो कि इस समय हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएमसी जम्मू के बिल्कुल मोर्चे से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिला पुंछ के सुरनकोट से रहने वाले 18 साल के जो इश्तियाक नाम बताया जा रहा है, वो जो है पेशे से ट्रक चलाने का काम करते थे, लेकिन आज ना जाने क्या कुछ वजह रही है कि जिस तरह से उनका जो शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पुल के तवी पुल के नीचे से मिला है, जिसके बाद उनके भाई यहां पर पहुंचे हैं और परिवार में इस समय जो है मातम छाया हुआ। तो आप सब लोग 18 साल के इश्तियाक के लिए जो है वो आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। भाई साहब आपके क्या लगते थे? मेरा पुपी का लड़का था भाई था। क्या लगता है क्या हुआ होगा? अभी क्या बोल सकते हैं, मालिक को जब इन्होंने रात को, मालिक ने फ़ोन किया था इसको, पता नहीं इसका भाई है, उसको फ़ोन किया था, उन्होंने बताया भाई ये फ़ोन कर रहा मुझे पानी चाहिए, 2 बजे फ़ोन करने लगा, हाँ पानी चाहिए मेरे को, तो ये मुझे लड़के मार रहे हैं। अच्छा। तो वो हाँ तभी से वो बोल रहे मेरे को पुल से नीचे गिरा दिया है तभी रात को, इन्होंने पुलिस के पास भी बयान होंगे मेरे हिसाब से, उनके पास ही उनको बयान दिया हुआ है। ये रात को कितने बजे की? ये कोई 2 बजे के करीब बात हुई है, मालिक से 2 बजे के करीब बात हुई है। मालिक ने क्या कहा? उन्होंने बोला उन्होंने फ़ोन सुबह किया था, तो ऐसे ऐसे आप मुझे मार रहे हैं, पानी मांग रहा था।
मालिक किधर का? ये नहीं, मुंबई का, मुंबई गाड़ी चलाता था, उसने मालिक को फोन किया था, ये मालिक ने उसको 4 दिन पहले दी है छुट्टी। कितनी देर से ये गाड़ी चलाने का काम करता है? ये कम से कम हो गया 10 साल हो गए। ये पुंछ के कहाँ के रहने वाले? ये पुंछ सुनकोट लसाना रहने वाले। सुनकोट के लसाना के रहने वाले? लसाना के रहने वाले। तो क्या लगता है, क्या मांग करना चाहेंगे आप पुलिस से? इंसाफ होना चाहिए, जिसने भी किया है तो इंसाफ चाहिए। ये जम्मू कौन सी जगह से, कौन से पुल से? ये तवी पुल से। आपको किसने बताया था कि बॉडी यहाँ पे है? मेरे को तो घर से सुबह फोन आया था, मैं खुद कटरा में था, मेरे को सुबह फोन किया था भैया। तो देख सकते हैं कि काफी दुखद भरा ये अपडेट है जो कि आप तक साझा कर रहे हैं कि पुंछ के सुरनकोट के लसाना के रहने वाले एक 18 साल के युवक का शव जो है वो यहाँ पर मिला। तो आप सब लोग आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय जवान।